हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट वर्कशीट ट्वेंटी 20, अगस्त की वर्कशीट है थर्सडे की वर्कशीट तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट वर्कशीट पर आपको इमिडिएटली पता चल जाए तो जल्दी से देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है तो इस वर्कशीट में आपका जो चैप्टर था द फन दे हैड आपने ये जरूर ये स्टोरी पढ़ी होगी चैप्टर पढ़ा होगा पिछले महीने ये उसी पर बेस्ड है इस चैप्टर में आपने जाना टॉमी एंड मार्जी के बारे में तो जो ये टास्क ए है आपका इस टास्क में टॉमी और मार्जी के बारे में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं अलग अलग कैरेक्टर स्केचेस यहाँ पर इनके बारे में लिखे हुए हैं लेकिन ये जो कैरेक्टर स्केचेस है ये थोड़े अन ये थोड़े जम्बल अप है मतलब मिक्स अप है कुछ इधर है कुछ उधर है तो आपको ये अन करके आपको थोड़ा सुलझा कर इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है तो पहले टास्क ए देख लेते हैं उसके बाद हम टास्क बी देखेंगे जो मैं आपको अभी आगे समझाती हूँ तो जल्दी से देख लेते हैं टास्क ए में क्या है तो ये जो बॉक्स है ये टॉमी के यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केचेस लिखने हैं और मार्जी के यहाँ पर लिखने हैं और कहाँ से आप लिखेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है तो अगर यहां पर आप नोटिस करेंगे तो टॉमी जो है वो ही है एक मेल है वो तो जो जो सेंटेंसेस ही से शुरू हो रहे हैं वो टॉमी के बारे में है और मार्जी जो है शी है एक फीमेल है तो जो जो सेंटेंसेस शी से शुरू हो रहे हैं वो मार्जी के बारे में है तो जल्दी से देख लेते हैं कि टॉमी के ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप क्या क्या लिखेंगे मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ सो टॉमी इज अ थर्टीन ईयर ओल्ड बॉय ही इज स्मार्ट एंड फ्रेंडली ही इज अ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंड फादर्स बुक ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेलीबुक्स बस ये जो है ये जो चार लाइन्स है ये आप इधर टॉमी वाले बॉक्स में यहाँ लिखेंगे अगला चलते हैं मार्जी के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो मार्जी वाले बॉक्स में आप लिखेंगे मार्जी इज क्यूरियस बाय नेचर शी शेयर हर फीलिंग्स इन हर डायरी आप सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे फिर आप लिखेंगे शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट But liked reading about past. She found her mechanical teacher boring. She wanted to go to a real school and imagined a life with friends. तो ये सब जो है आप यहाँ पर मार्जी के बारे में इधर लिखेंगे अब चलते हैं जल्दी से आपके टास्क बी पर तो आपका टास्क बी क्या कहता है ये थोड़ा सा आ, थोड़ा सा डिटेल टास्क है तो इस टास्क में दो चीजें हैं सबसे पहले तो आपको आ, कोई एक फेवरेट कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करना है कोई स्टोरी या नॉवल आपने पढ़ा हो उसमें से आपको डिस्क्राइब करना है कैसे डिस्क्राइब करना है वो हम पहले ही एक दो वर्कशीट कर चुके हैं एडजेक्टिव वाली वर्कशीट जो आपने की है उसमें दिखाया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप वहां से देखकर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अपना फेवरेट जो कैरेक्टर है किसी स्टोरी का वो लिख सकते हैं वो जो स्टोरी है वो हिंदी में भी हो सकती है लेकिन आपको जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देना है वो इंग्लिश में देना है ठीक है तो क्योंकि ये इंग्लिश की वर्कशीट है तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश में ही लिखेंगे आप चाहें तो वो जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अब हमें तो पता नहीं है कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उस स्टोरी में तो आप अपने हिसाब से इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी फेवरेट स्टोरी और उसके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में सैंपल के तौर पर जल्दी से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ और उस कहानी में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उस पर हमने कैरेक्टर स्केच लिखा है मैं आपको जल्दी से उसके बारे में भी बता देती हूं तो ये जो स्टोरी है इस स्टोरी का नाम है हंस किसका। ये स्टोरी जरूर आपने शायद सुनी भी होगी पहले और नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं मैं जल्दी से आपको ये स्टोरी ये कहानी सुना देती हूं तो इस कहानी में क्या है सुबह का समय था उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे फूलों की सुगंध आ रही थी पक्षी चहचहा रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ अपने उपवन में टहल रहा था तो ये जो कहानी है ये राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में है सिद्धार्थ यहाँ पर गौतम बुद्ध जो थे ये उनकी कहानी है तो जब गौतम बुद्ध बुद्ध नहीं बने थे जब वो छोटे थे वो यंग टीनेज वो आपके जितने ही होंगे इस एज में जब थे ये तब की कहानी है तो इस ये जल्दी से मैं कहानी बता देती हूँ और मैं ये भी बता देती हूँ कि जो हम कैरेक्टर स्केच लिखेंगे वो हम सिद्धार्थ का ही लिखेंगे तो जब मैं ये कहानी सुनाऊ तो ध्यान दीजिएगा कि सिद्धार्थ की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने उपवन में टहल रहा था सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था अचानक पक्षियों के का चहचहाना बंद हो गया उनके चीखने की आवाजें आने लगी जैसे पक्षी डर से चिल्ला रहे हों तभी राजकुमार सिद्धार्थ के पैरों के पास एक हंस आ गिरा वह तड़प रहा था सिद्धार्थ ने हंस को उठाया उसने प्यार से हंस के पंखों को सहलाया धीरे से तीर निकाला आराम से उसके घाव को धोकर उस पर मरहम पट्टी की इतने में सिद्धार्थ का भाई देवदत्त दौड़ा आया उसने कहा यह हंस मुझे दो यह मेरा शिकार है सिद्धार्थ ने हंस देवदत्त को नहीं दिया बोला नहीं यह मेरा हंस है इसे मैंने बचाया है अब दोनों भाई जो थे वो वाद विवाद करते हुए राजमहल की ओर चल दिए आगे आगे सिद्धार्थ और पीछे पीछे देवदत्त राजमहल में पिता को देखते ही देवदत्त ने शिकायत की पिताजी सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा सिद्धार्थ ने अपना पक्ष रखा पिताजी मैंने इस हंस को बचाया है देवदत्त ने इसे तीर मारा था मैंने इसका तीर निकाल कर इसकी मरम पट्टी की है नहीं नहीं, मैंने इसका शिकार किया है यह मेरा है देवदत्त ने ने कहा। राजा ने दोनों राजकुमारों की बात सुनी देवदत्त ने हंस का शिकार किया था और सिद्धार्थ हंस को बचाया था राजा ने कहा सुनो देवदत्त तुमने इस हंस को तीर मारा तुम इसे मारना कहते चाहते थे सिद्धार्थ ने इसे बचाया इसके घाव पर मरहम लगाया इसकी रक्षा की इस नाते हंस सिद्धार्थ का हुआ क्योंकि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है तो ये जो आपकी कहानी है इसी पे बेस्ड हमने सिद्धार्थ का कैरेक्टर स्केच लिखा है आप चाहें तो आप अपने वर्ड्स में भी अपनी जो फेवरेट स्टोरी है उसमें कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं तो मैं जल्दी से आपको ये कैरेक्टर स्केच भी दिखा देती हूँ तो इस कैरेक्टर स्केच में हमने क्या क्या लिखा है पहले तो ये छोटे से एक दो लाइनें हमने लिखी है इस कहानी के बारे में कि आपने वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्टोरी दैट आई रेड इज कैरेक्टर्सोरी सिद्धार्थ नोन एज नोन वर्ल्ड वाइड एज गौतम बुद्धा तो इस कहानी में सिद्धार्थ जो है वो एक स्वान को एक हंस को बचाते हैं और इसीलिए उन्ही का उस हंस को रखने का अधिकार होता है क्योंकि देवदत्त जिन्होंने उस हंस को मारा था उसके ऊपर उनका इस पर अधिकार होता है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर स्केच में मैंने लिख दिया है कि स्टोरी में सिद्धार्थ जो है एक यंग टीनेज बॉय है जो बहुत ही ग्रेसफुल बिल्ड के हैं बहुत ही अच्छा उनकी कद, कद काठी है उनका वीटेश कॉम्प्लेक्शन है बहुत गोरा नहीं बहुत काला नहीं वीटेश का गेहुआ रंग है थोड़े लंबे बाल है और आमन शेप्ड आईज है बादामी शेप uh, की उनकी आंखें हैं और काइंड है उनकी आंखों में बहुत ही उदारता नजर आती है और साथ ही साथ उनका सॉफ्ट फेस है बहुत कोमल सा फेस है उनका वो रॉयल कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो राजकुमार हैं तो उन्होंने राजसी कपड़े पहने हैं रॉयल क्लोथ गोल्ड एंड पर्ल के ऑर्नामेंट्स उन्होंने सोने के और मोतियों के हार पहने हैं और कंगन और ये बाकी जवाहरात पहने हैं उन्हें नेचर बहुत पसंद है प्रकृति पसंद है और अपने रॉयल गार्डन में घूमना उन्हें उपवन में घूमना उन्हें बहुत पसंद है उनका बहुत ही काइंड हार्ट है बहुत दयालु उनका दिल है और वो अपने आसपास सभी का ध्यान रखते हैं जैसा कि स्टोरी में दिखा वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते ही कैन नॉट सी एनी हर्ट और इसलिए जैसे ही स्वान को हंस को चोट लगी तो वो भी दुखी हो गए वरिड हो गए चिंतित हो गए उन्होंने एकदम से उसको स्वान को हंस को बचाया तो इससे ये भी दिखता है कि वो नॉन वायलेंट है हेल्पफुल है अहिंसक है मददगार हैं और केयरिंग है सबका ध्यान रखते हैं वो साथ ही साथ ट्रूथफुल भी है तो उन्होंने सच सच सब कुछ अपने पिताजी को बताया वो मॉरल भी है बहुत ही उनमें नैतिकता है कि जो सही है वो सही है दूसरों का हमें बचाव करना चाहिए तो इस तरह से वो नैतिक भी है साथ ही वो डिटर्माइंड भी हैं तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली साफ तरीके से अपना पक्ष रखा कि नहीं क्योंकि मैंने इस हंस को बचाया है तो इसीलिए ये मेरा है तो इसलिए जो सच है और जो नैतिक है उन चीजों के लिए जो मोराली राइट right है और ट्रू है उनके लिए वो लड़ते हैं तो इसीलिए ये सारी क्वालिटीज हमने इस कैरेक्टर स्केच में लिखी हैं तो आज की वर्कशीट में यही है उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब चलते हैं हम आपकी इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की वर्कशीट की तरफ जो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे आइए चलते हैं अब हम अपनी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट की तरफ लोकतंत्र ही क्यों जो हमारा आज का टॉपिक है तो इसको हम पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे आगे चलते हैं पढ़ लेते हैं हिंदी में इस वर्कशीट को जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जरूर जिक्र होता है तो हमारा जो भारत देश है उसमें लोकतांत्रिक शासन है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे लोग स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं ताकि वहां पर लोकतांत्रिक शासन आ जाए जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहां भी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि वो वहां पर लोकतांत्रिक शासन वहां पर आ जाए तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल पा रहा होगा कि लोकतांत्रिक शासन सबसे फेवरेट शासन है तो आइए चलते हैं इसके बारे में पता लगाते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं मतलब इसके तर्क क्या है इसके फायदे क्या है तो पहला है इसके अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है तो जवाबदेही से हमारा मतलब है कि अगर कोई भी वो डिसीजन लेते हैं तो हम उन पर पूछ सकते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा आरटीआई के बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो अगर कोई भी वहां पे कोई डिसीजन लिया जाता है तो आप आर डाल के पूछ सकते हैं कि भाई कितने लोग थे कहाँ गए कैसे हुआ तो आप मतलब सरकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो लोकतंत्र में ज्यादा लोग चर्चा के भाग लेते हैं तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा परस्पेक्टिव आते हैं अब आपके घर में क्या होता है कि सिर्फ दो ही लोग डिसीजन ले रहे हैं मम्मी पापा आपसे तो पूछा भी नहीं जाता आपसे भी पूछा जाए तो आप भी अपने डिसीजन पार्ट लिया जाए कुछ घरों में लिया जाता है जिस घर में आपका भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो आपका डेमोक्रेटिक शासन हो गया लोकतंत्र मतभेद और टकराव संभालने का तरीका बनाता है तो मतभेद तो देखो बने रहते हैं तो हमारा जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है वो उसको संभालता है यहाँ पे टकराव होना चाहिए भारत की तरह विविध जो हमारे जो विविध देश है जहाँ पे बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारे टाइप की वेराइटी ऑफ रिलीजन है वहां पे लोकतंत्र ही एकमात्र तरीका है वरना क्या होगा एक शासन कर रहा होगा बाकी सारे सप्रेस हो रहे होंगे जो कि आपको बाकी देशों में कुछ देशों में आपको दिख भी जाएगा लोकतंत्र व्यवस्था समानता न्याय स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों को सम्मान बढ़ाती है तो बेसिकली न्याय व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है जो आपने सुना होगा वो इसी वजह से है क्योंकि लोकतंत्र है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर मिलता है सपोज करो कोई सरकार है जो आपको पसंद नहीं आ रही वो काम आपके लिए अच्छा नहीं कर रही तो आप क्या कर सकते हैं उसके वोट कर सकते हैं अगेंस्ट तो ये सारे के सारे कुछ रीजन है जिस से अच्छा माना जाता है आइए चलिए देख लेते हैं लोकतंत्र में कमियां क्या क्या है पहली कमी है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं देखो हर पांच साल बाद नेता बदलने के चांस बन जाते हैं जिससे जो मतलब सा बन जाता है नागरिकों के हित की जगह वो अपना हित सोचने लग जाते हैं क्योंकि उनको अपने कुर्सी की फिक्र हो जाती है अब लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोग होते हैं कि बहस के चक्कर में क्या हो जाता है फैसला लेने में देरी हो जाती है तो इतना टाइम लगा देते हैं फैसला लेने में कि आपका वक्त निकल चुका होता है फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कैसे दो ही लोग डिसीजन लेने वाले हैं मम्मी पापा हो गए तो मदर फादर जो भी हो गए तो उनके अलावा और कोई डिसीजन लेने में कोई ज्यादा भेदभाव नहीं होता तो जल्दी से डिसीजन लिया जाता है आपको कहीं घूमने जाना सीधा मम्मी के पास एप्लीकेशन डाली मम्मी ने एप्लीकेशन आगे बढ़ाई पापा को पापा ने हाँ या ना बोला मम्मी पापा ने बैठ के मीटिंग करी थोड़ा तो डिसीजन आ गया ऐसा नहीं है कि अब चार लोगों के पास जाएगी और फिर डिसीजन आएगा तो ये तो हो गई आपकी छोटी सी एग्जाम्पल तो ये कमी भी है और ये अच्छी भी बात है अगर ज्यादा लोग बात करते हैं तो प्रस्पेक्टिव ज्यादा आते हैं लोकतंत्र में चुनी हुई चुनावी लड़ाई में बहुत सारा खर्च हो जाता है आपने देखा होगा हर पाँच साल बाद जो है वोट होते हैं तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है और जिसके कारण भ्रष्टाचार हो जाता है इससे तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं आपको भी पता है कि भ्रष्टाचार इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं जिससे क्या होता है जनता का हित आ, वो भूल जाते हैं और गरीब जो है इसके चक्कर में फंस जाते हैं और आपके ये सारे के सारे हो गया टॉपिक अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है भारत में भारत जैसे विविध वाले देश में लोग जरूरी क्यों है आपने देख लिया यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको लिखना है इसमें विविधता है इस वजह से लोकतंत्र की एकजुटता बनाई रहती है और दूसरा आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं पहले आंसर में कि लोकतंत्र मतभेद और टकराव से संभलने का तरीका बताता है तो ये हो गया आपका पहला आंसर दूसरा आंसर हो गया आपका आपके अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं तो कमियों के लिए आपको ये सारे चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं और आपके मन में कोई और कमी भी आ रही हो तो आप वो भी पॉइंट लिख सकते हैं तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क दीजिए देखिए पक्ष के लिए तो बहुत सारे तर्क यहाँ पे दे रखे थे आप इनमें से कोई भी तर्क यहाँ पे चुन सकते हैं जैसे आपने ये दोनों यहाँ लिख दिए तो आप ये लिख दें ये लिख दें और इनको भी आप रिपीट कर सकते हैं। तीन और एक एक चार आप कोई भी ऐसे इनमें से कोई भी तर्क आप इनमें से चुन सकते हैं सारे तर्क इनके पक्ष में ही है क्या आपको लगता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था औरों से बेहतर है यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी गई तो कंपैरिजन यहाँ पे दो बातों में आप बताया था पहला यहाँ पर दूसरों से बेहतर क्यों है क्योंकि आप यहाँ पे सरकार बदल सकते हैं और यहाँ क्या है जवाबदेही होती है तो ये दो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले जो वर्कशीट है समझ में आई होगी आइए चलते हैं अब इसको इंग्लिश में भी इसी वर्कशीट को इंग्लिश में भी देख लेते हैं आज सिंपल सा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी हिंदी में हम इसको सुन चुके हैं uh, एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है तो गुड गवर्नेंस एंड देन श्योरली द डेमोक्रेटिक सिस्टम अब जब भी हमारी जो गवर्नेंस की बात होती है तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट तो जरूर ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है सो so, बहुत सारे वर्ल्ड में सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जहाँ पे नहीं है वहाँ कोशिश करी जा रही है कि उसको डेमोक्रेटिक बनाया जाए इसके हित में जो जो बातें हैं वो देख लेते हैं गवर्नमेंट इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही नेक्स्ट हो गया इट इम्प्रूवस क्वालिटी ऑफ डिसीजन क्वालिटी ऑफ डिसीजन बेटर होते हैं क्योंकि इसमें बातचीत लोग ज्यादा करते हैं uh, और मेथड डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे मतभेद और भेदभाव होता है वहां पे डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आता है बिकॉज ये रैशनल डिसीजन लेता है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक लोग ज्यादा है तो उसकी वजह से वो डिसीजन बन जाए डेमोक्रेसी यूनाइट इंडिया जस्ट लाइक इंडिया जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है वहां पे एक यूनिटी की एक पहल करता है यहाँ पर लोग आपस में लड़, लड़ते झगड़ते नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको एक एकजुटता देती है डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी डिग्निटी देती है वैल्यू देती है और जस्टिस uh, देती है और फ्रीडम देती है जैसे आप कुछ भी आप किसी को भी कह सकते हो कि फ्रीडम है गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर आप हो तो वो भी एक फ्रीडम है कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के खिलाफ जाना भी एक uh, कानून के अगेंस्ट हो जाता है डेमोक्रेसी अलावर्स टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक ओके एंड जो पब्लिक है वो आपकी जो सरकार है वो बदल भी सकती है तो तो ये तो हो इसके फेवर में सारे के सारे पॉइंट आगे चलते हैं इसके अगेंस्ट अब जब लीडर्स हर पांच साल बाद बदलते रहते हैं तो इनस्टेबिलिटी आ जाती है जिस वजह से लोग जो होते हैं जो पावर में होते हैं लोग वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इमोरल हो जाते हैं मतलब खरीद बेच और किस तरीके से आप तो कह सकते हैं इमोरलिटी और अपने हित के लिए बाकी लोगों का हित छोड़ देते हैं अब इतनी सारी बातचीत हो रही होती है तो इस वजह से डिसीजन भी डिले हो जाते हैं करप्शन भी हो जाता है जब भी आपका इलेक्शन होता है वहां पे क्योंकि खर्चा बहुत है लीड टू बैड डिसीजन कब जब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं वो हित जो है अपना ऊपर रखते हैं लोगों का हित नीचे रखते हैं

चौदह डीमेरिट्स डी मेरिट्स, मेरिट्स बतानी है ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम ये चार पॉइंट है आप ये डीमेरिट्स में आप लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन हो गया राइट योर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी तो फेवर के लिए आप इम्प्रूव क्वालिटी डिसीजन आप ये लिख सकते हैं सिटीजनशिप के लिए ये हो गया इनमें से आप कोई भी चार पांच पॉइंट आप लिख दें ये चार पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर कैसे है तो बेटर आपके यहाँ पे दो कम्पेरिजन है मोर अकाउंटेबल है और अपना डिसीजन आप चेंज कर सकते हैं पांच साल बाद गलती हो गई अगली बार चेंज कर देंगे उम्मीद करते हैं आपको एक वर्कशीट समझ में आई होगी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो